Hey, hello everyone, welcome back to my channel and those who are all new, my name is Shweta and today's video is very special to me because it is my first haul video और इसमें मैं डिस्कस करने वाली हूँ सारे उन कुर्ता सेट्स के बारे में, उनका रिव्यू देने वाली हूँ जो कि 100% सच होगा। ओके, सो फर्स्ट कुर्ता सेट है पिंक और डार्क पिंक और बेबी पिंक कलर का, जो कि है ये वाला कुर्ता। ये आप देख सकते हैं साइड में इमेज में कि मैंने मम्मी के दुपट्टे के साथ स्टाइल किया था क्योंकि इसमें दुपट्टा नहीं आया था, और जब ये आया था तब मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और मैंने सिर्फ और सिर्फ ये इसलिए खरीदा था कि जो मैं कुर्ता सेट खरीदने वाली थी वो उसकी डिलीवरी डेट बहुत ज़्यादा डिले थी और बाकी सारे ऑनलाइन शॉपिंग ऐप पे वो लेट ही डिलीवर होने वाला था, सिर्फ ये एक दिन बाद ही डिस्पैच हो जाता और जल्दी डिलीवर हो जाता, सिर्फ इसलिए मैंने खरीदा। और मुझे पिंक कलर ट्राई करना था तो इसलिए मैंने खरीदा। तो मैं आपको बता दूँ, ये वाला कुर्ता सेट फर्स्ट टाइम में तो ये बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, ये 320 का मिला तो ऐसे कुछ बोल भी नहीं सकते कि मतलब बहुत ही ज़्यादा ख़राब क्वालिटी है। फर्स्ट टाइम में इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी लगी थी पर मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि इसकी क्वालिटी ऐसी निकलेगी। सिर्फ एक वॉश किया है मैंने इसको और आप इसे देख सकते हैं कि इसका पूरा कलर निकल चुका है और जो इसका प्रिंट था वो पूरा ख़राब हो चुका है। जो इसमें ये पिंक फ्लावर्स थे जो बहुत सुंदर लग रहे थे, ये सब ख़राब हो चुके हैं। कपड़ा तो आज भी इसका वैसा ही है, बहुत अच्छा है, सॉफ्ट है एकदम, पर ये ख़राब होने की वजह से अब मैं इसे कहीं बाहर तो नहीं पहन सकती, तो इसलिए ये तो मेरी तरफ से एकदम रिजेक्ट हो चुका है। मैं इसे 10 में से 5 मार्क्स ही दूंगी, 5 इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मैं इसे पहन चुकी हूँ एक बार और ये बहुत अच्छा लग रहा था। प्लाजो इसका सेम टू सेम बिल्कुल वैसा ही है, क्वालिटी सब कुछ अच्छा है, इस पर कोई प्रिंट नहीं था इसलिए कुछ हटा नहीं। ओके, सो मैं आपको ये वाला कुर्ता सेट खरीदने के लिए बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि अगर आपको सिर्फ एक बार पहनने के लिए खरीदना है तो आप खरीद सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ सेकेंड नंबर वाला कुर्ता जो कि मुझे मिला था 450 रुपीज़ में। आप देखिए ये वाला कितना सुंदर लग रहा है, एकदम प्रिटी। मैंने सारे सूट जो भी थे, मुझे पता था कि वहाँ बहुत ज़्यादा वो होने वाली है गर्मी तो, और घूमने घूमने में ही सारा टाइम निकलना था, तो इसलिए मैंने सारे कुर्ता सेट एल साइज़ में ही ऑर्डर करे थे। तो मैं आपको बता दूँ ये वाला कुर्ता सेट बहुत ज़्यादा सुंदर लगा था मुझे और मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थी इससे। इसकी फुल स्लीव्स टाइप ही एक तरह से आ जाती है और इसका नेक पे वर्क देखो कितना अच्छा वर्क है इसमें नेक में, और इसकी लेंथ वगैरह सब कुछ बहुत ज़्यादा परफेक्ट है, सब कुछ बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, ये रेयन में है, बाकी इस पूरे सूट में छोटी छोटी बूटियाँ बनी हुई हैं और इसका नेक डिज़ाइन सिल्वर कलर से बना हुआ है, बहुत सुंदर है। और आप देख सकते हैं कि मैंने इसके साथ ही सरोजनी से ख़रीदा हुआ दुपट्टा स्टाइल किया था क्योंकि मुझे वृंदावन में सारे ड्रेसेस के साथ दुपट्टा चाहिए था क्योंकि मंदिर वगैरह जाते थे मुझे अच्छा नहीं लगता, तो ये वाला तो मैंने 150 रुपये का लिया था। ये मैंने सरोजनी हॉल में दिखाया है आपको, और हाँ, और इसका ये पजामा, इसमें पजामे में नीचे ये दिया हुआ है, प्लाजो में एक छोटी सी स्लिप दी है डिज़ाइन की, बाकी ये पूरा प्लेन है, इसमें कोई पॉकेट नहीं है, पहले वाले में भी नहीं थी, पर क्वालिटी वाइज ये बहुत अच्छा है। पर वेट, अब मैं बताती हूँ कि इसके कॉन्स क्या हैं। ये पहले बार पहनने में एकदम परफेक्टली फिट हो रहा था, बल्कि हल्का लूज था, और जैसे ही मैंने इसे वॉश किया इसकी क्वालिटी मुझे नहीं पता क्या हुआ है, इसका कपड़ा श्रिंक हो गया है। मतलब अभी ये मुझे आ रहा है पर एकदम फिटिंग का आ रहा है, मुझे इतने फिटिंग के कपड़े नहीं पसंद है तो मैंने इसलिए इसे दोबारा नहीं पहना, वहाँ से ला के इसे रखा हुआ है, मेरी बहन है मैं उसको दे देती हूँ। इसलिए आप इस कुर्ते को सिर्फ तभी परचेज़ करें जब आप या तो फ्यूचर में पतले होने वाले जैसे कि मैं सोचती रहती हूँ हर टाइम, या फिर आपकी कोई छोटी बहन या कज़न हो जिसे आप ये दे सकें, क्योंकि ये आपको एक बार अपने साइज़ में पहनने के बाद दोबारा फिट नहीं आएगा, मेरे साथ तो यही हुआ। तो चलो फिर लेट्स सी माय मोस्ट फेवरेट कुर्ता सेट जो कि आप सबको पता भी होगा कि कौन सा है अब तक। ओके तो अब बात करते हैं लास्ट कुर्ता सेट की जो कि मैंने ख़रीदा है मीशो से ही, और वो इनसे प्राइस रेंज में ज़्यादा है पर इससे क्वालिटी में भी बहुत बहुत ज़्यादा है, और मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आया, बहुत ज़्यादा। इसकी क्वालिटी, कलर, सब कुछ, डिज़ाइन वगैरह सब बहुत अच्छा है, जैसा इमेज में शो किया था बिल्कुल वैसा ही है। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ मेरा मोस्ट फेवरेट कुर्ता सेट, वो है ये वाइट कलर का, ये ऑफ वाइट नहीं है, वाइट है, और मुझे वाइट ही चाहिए था। ये पूरा कुर्ता और प्लाजो दोनों वाइट कलर के हैं, और इसका दुपट्टा है ये, इसके दुपट्टे में आप देख सकते हैं साइड में ये प्यारी सी लेस लगी हुई है, वैसे ये मरून कलर का है और जब इस पर लाइट पड़ती है तो ये थोड़ा रेड टाइप लगता है। मतलब मुझे ये बहुत ज़्यादा सूट पसंद आया, बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगा, मैं इसकी फ़ैन हो गई हूँ। थाती हूँ इसे खोल के, ये देखो इसकी बस स्लीव्स में ये प्रॉब्लम है कि ये 3/4 भी नहीं है, ये थोड़ी यहाँ तक है, मतलब हल्की सी एल्बो से हल्की सी नीचे,
और ये मैं आपको दिखाती हूँ, इसका प्यारा सा गला, सिंपल सा एकदम, और इसमें एकदम प्यारी प्यारी ये बूटियाँ बनी हैं। और ये इसकी स्लीव है, और इस पूरे सूट में एंड तक ये बूटियाँ ही बनी हैं, बॉर्डर नहीं दिया हुआ है। ओके, और इसका प्लाजो एकदम सिंपल है, प्लाजो में कुछ भी डिज़ाइन नहीं दिया है, और अनफॉर्चुनेटली इसमें भी पॉकेट्स नहीं है, पर स्टिल ये मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है क्योंकि एक तो मुझे वाइट कलर पसंद है और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी। हाँ हाँ, बस मैं ये कह सकती हूँ कि ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट है, वाइट कलर तो होता ही है, तो हमें इसके साथ अंदर इनर कैरी करना पड़ेगा स्किन कलर का, जो कि इसमें बिल्कुल शो नहीं होगा। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, ये था मेरा ट्रू ऑनेस्ट रिव्यू। आप इसके अकॉर्डिंग, हाँ बिल्कुल, ये कुर्ता सेट आप डेफिनेटली परचेज कर सकते हैं, डेफिनेटली। ये बहुत अच्छी क्वालिटी का है, बहुत सुंदर है, आप इसे बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करेंगे। मैं इसको दूंगी 10/10, और जो ये पर्पल वाला कुर्ता सेट था, मैं इसको दूंगी 10/8, क्योंकि ये क्वालिटी वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा है, बस ये श्रिंक हो गया, ये इसका बिगेस्ट फ्लॉ था। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल हियर। मैं आपके लिए ऐसे ही आगे बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोज़ लेके आती रहूँगी, उसके लिए प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें एंड मेरी वीडियो को लाइक करें। बाय बाय।